नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं आर चंदन ट्राई टू शेयर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गूगल सीट में एक्सेल के फाइल को कैसे अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना गूगल सीट ओपन करेंगे, उसके लिए क्रोम खोलेंगे। क्रोम खोलने के बाद आप यहाँ चाहें तो कोई भी अपना पुराना स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल मेनू में आना है, और फाइल मेनू पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे ओपन ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से हम ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने जो है ओपन ए फाइल का एक विंडो खुल जाता है, और इसमें आपको जो है अपने ड्राइव से फाइल ओपन करने हैं, या किसी के द्वारा शेयर किए गए फाइल ओपन करने हैं, या आपने जो स्टार मार्क करके रखा है उस फाइल को ओपन करना है, या आप अपने हार्ड डिस्क से कोई भी एक्सेल के फाइल को या टेक्स्ट फाइल को गूगल शीट में अपलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम आते हैं और हमें अपने पुराने किसी एमएस एक्सेल के फाइल को अपलोड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, एक नया विंडो आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट ए फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। अब इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपने लाइब्रेरी में आ गए हैं, और यहाँ से हम चल जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, या आपका जहाँ पर भी जो भी फाइल हो आप वहाँ से जा सकते हैं। उस लोकेशन पे जाइए और अपने फाइल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे आइटम मास्टर के नाम से एक फाइल है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करें, या सिंगल सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करें, यहाँ एक छोटा सा प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद आपका यह फाइल जो है गूगल शीट में अपलोड हो जाएगा। दोस्तों, गूगल शीट में आप एक्सेल के फाइल के कई वर्जन को जो है अपलोड कर सकते हैं, और गूगल शीट जो है बहुत सारे तरह के फॉर्मेट्स को एक्सेप्ट करता है, जैसे एक्सएलएस, एक्सएलएसएक्स, टीएक्सटी फाइल या टैब फाइल। इसके लिए ऑलरेडी मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरा ब्लॉग नहीं पढ़ा है तो आप सिंपली गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आइए और rchandan.com प्रेस कीजिए। जैसे ही आप rchandan.com प्रेस कीजिएगा, मेरा ब्लॉग आपके सामने दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर बहुत सारे मैंने कंप्यूटर, एमएस ऑफिस से रिलेटेड, गूगल सीट से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। यहाँ से आप आए तो जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर देखना है, कोई भी टॉपिक देखना हो, तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे सर्च बॉक्स में आकर के टाइप कीजिए गूगल सीट्स। और यहाँ से सर्च बार पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सर्च बार पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है हमारे गूगल शीट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला आर्टिकल मेरा गूगल शीट से रिलेटेड था, जो व्हाट इज गूगल शीट लेसन वन। यहाँ से हम इस आर्टिकल को ओपन करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से इसको ओपन कीजिएगा, ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप गूगल शीट के बारे में अगर और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.9 हेडिंग में जो है हमने लिखा हुआ है अनेक प्रकार से फाइल सपोर्ट करता है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे गूगल शीट कितने तरह के फाइल को एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ पे उसका पूरा एक्सटेंशन दिया हुआ है। तो इतने तरह के गूगल शीट फाइल जो है अब एक्सेप्ट करता है। जिस प्रकार गूगल शीट में आप कई तरह के फॉर्मेट्स के फाइल को जो है अपलोड कर सकते हैं, उसी तरह से आप गूगल शीट के किसी भी फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और डाउनलोड में जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, वेब पेज, इस तरह के कई सारे फॉर्मेट यहाँ पे उपलब्ध हैं, जिसकी मदद से आप अपने गूगल शीट के फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह से हमें आगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।